नमस्कार, APNS न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। निर्भया गैंग रेप के चारों दोषियों को शुक्रवार यानी कि आज सुबह 5:30 बजे फांसी की सजा दे दी गई है। निर्भया के दोषियों को फांसी मिलने के बाद क्या कुछ बोले दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल, आइए हम आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। 7 साल पहले लगभग कुछ दरिंदों ने निर्भया को वहशियाना तरीके से पहले उसकी इज्जत लूटी और उसके बाद उसका कत्ल कर दिया। पिछले 7 साल से पूरा देश इसके खिलाफ न्याय की उम्मीद किए बैठा था। आज उनके निर्भया के दोषियों को फांसी हुई है। 7 साल लग गए इसमें, तो मुझे लगता है कि आज वो दिन है जब हम सब लोगों को मिलकर संकल्प करने की ज़रूरत है कि दूसरी निर्भया अब नहीं होनी चाहिए। हमने ये भी देखा कि पिछले कुछ महीनों से किस तरह से फांसी की सज़ा मिलने के बाद भी पूरे सिस्टम को इन लोगों ने किस तरह से मैनिपुलेट किया और हर बार फांसी की डेट मिलती थी और फांसी पोस्टपोन हो जाती थी। हमारे सिस्टम के अंदर बहुत सारी कमियां हैं जो कि गलत काम करने वालों को प्रोत्साहन देती हैं कि जो मर्जी करो कुछ नहीं होगा और केस लटकते रहेंगे, चलते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि आज का दिन है जब हम सब लोगों को मिलकर संकल्प लेना चाहिए कि अब इस देश में दूसरी निर्भया नहीं होने देंगे, और इसके लिए कई लेवल्स पे काम करने की ज़रूरत है। पुलिस का सिस्टम ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई महिला पुलिस में जाती है तो जिस तरह का उसके साथ बर्ताव किया जाता है, फायर दर्ज नहीं की जाती है, उसके जिसने उसके साथ गलत काम किया उसकी शह पे विक्टिम को वो तंग किया जाता है, उसे ठीक करने की ज़रूरत है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन प्रणाली को ठीक करने की ज़रूरत है ताकि जल्दी से जल्दी जांच कंप्लीट हो। जुडिशियल सिस्टम ठीक करने की ज़रूरत है ताकि सात सात साल ना लगे, 6 महीने के अंदर मामला निपट के और दोषियों को फांसी होनी चाहिए। हमारे सरकार के अब जुडिशियल सिस्टम और पुलिस तो हमारे अंडर नहीं है, लेकिन हमारी जितनी जिम्मेदारियां हैं वो हमें करने की ज़रूरत है, वो सारे कदम उठाने की ज़रूरत है जिससे महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। पूरे दिल्ली में CCTV कैमरे हमने लगाने हैं, लग रहे हैं पूरी दिल्ली में, जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट्स है वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स लगानी है, और भी जो जो कदम दिल्ली सरकार को, बसों में मार्शल्स की नियुक्ति हुई है, जो जो कदम हमारे जितने काम है वो हमें करने की ज़रूरत है। तो मेरा ये उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन जो है ये एक संकल्प के रूप में लेना चाहिए कि हम सारे मिलके ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि कोई हिम्मत ना कर सके दोबारा निर्भया की तरह और दूसरी निर्भया नहीं होनी चाहिए। सर, निर्भया के माँ बाप को देखा गया कि 7.5 साल जो उनका लगभग रहा, काफ़ी कष्ट में रहा किस पूरे मामले, आज भी देखा गया कि आखिरी वक्त तक इन दोषियों को बचाने के लिए जिस तरह वकील लगे रहे, आपको लगता है कि कुछ अब इन सारी चीज़ों को सोचना होगा? और फास्ट ट्रैक वाला जो एक मामला था कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द फांसी, और ये एक एग्जांपल सेट होगा आने वाले, ये मैंने यही कहा कि ये निर्भया का पूरा केस जिस तरह से हुआ ये एक एग्जांपल है, और कि किस तरह से इस पूरे सिस्टम के अंदर, कानूनी सिस्टम के अंदर कितनी कमियाँ हैं, हमारे कानूनों में कितनी कमियाँ हैं जो कि दोषियों को मदद करती हैं और जो कि विक्टिम को न्याय दिलाने में कितनी देरी करती हैं। इन सारी कमियों को हमें सबको बैठ के ठीक करना होगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, और अगर ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।